अगर समाचार में बात करी तो राजकोट में धीरेन्द्र शास्त्री ना दरबार नो मामलो सामे आव्यो हतो, तो दरबार ना आयोजक योगीन छनेरिया नु निवेदन सामे आव्यु छे। पहली अने बीजी जून ने बाबा नो दरबार योजाशे। तो राजकोट खाते धीरेन्द्र शास्त्री ना दरबार नो आयोजन करवामां आव्यु छे। 1 लाख लोग उमटी पड़े तेवी पण शक्यता नोंधाई रही छे। रेसक्रोस ग्राउंड में दरबार योजाशे, तो पुरुषोत्तम पीपरिया ना मुद्दे योगीन भावी नुं निवेदन पण सामे आव्यु। पुरुषोत्तम भाई अमारा वडील आगेवान छे। धीरेन्द्र शास्त्री जी क्यारे तेम नथी कह्यु के तेओ भगवान छे, तेमना मात्र हनुमानजी नी कृपा छे, तेमणे तेओ कह्यु छे। तो पुरुषोत्तम भाई द्वारा निवेदन आपवामां आव्यु के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा तेओ क्यारे कहेवामां आव्यु नथी के तेओ भगवान छे, तेमणे मात्र एटलुं ज कह्यु हतुं के हनुमानजी नी कृपा तेमना उपर छे। तो महत्वनुं कही शकाय के राजकोट खाते धीरेन्द्र शास्त्रीना दरबारनुं आयोजन करवामां आवशे। पहली अने बीजी जूने बाबानो दरबार योजाशे। आ दरबार में 1 लाख थी पण वधु लोको उमटे पड़े तेवी शक्यता छे। राजकोट में प्रथम वार गुजरात ना राज्य में प्रथम वार अपना बागेश्वर धाम ना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जेवो आजे सनातन हिंदू धर्म अने हिंदू राष्ट्र विषे जेवो अत्यारे ज्योत प्रज्वलित करी रह्या छे अने तेमना पूरा भारतभर में आज तेमनो स्वीकार थई रह्यो छे। पूरु भारत वर्ष अने भारत देशना लगभग राज्यना नागरिको अत्यारे तेमनी साथे आमा आ मिलावीने तेमनी साथे जोड़ाई रह्या छे। युवा वर्ग पण तेमनी साथे आज सनातन धर्म विषे जे एनी अहेलेक छे एमा साथे साथे जोड़ाई रह्या छे। आप जुओ छो के तेमना ज्यां ज्यां कथाना कार्यक्रमो ने दिव्य दरबारो योजाय छे त्यां बधी जाहेर जनता आजे हिंदू राष्ट्र विषे કોઈપણ રીતે એની સાથે જોડાઈને કેમ પણ આ સનાતન હિન્દુ ધર્મનો પ્રચાર વધુ ને વધુ ભારતભરમાં થાય એની સાથે જોડાઈ રહી છે।